प्रोटेस्ट के बारे में ये है कि 27 मई को एक कैजुअल्टी में, पीट्स कैजुअल्टी में सीनियर रेजिडेंट काम कर रहा था, एक सिख बच्चा आया। सिख बच्चा जो है वो उसने सारा कुछ किया उस बच्चे के लिए जितना भी हो सकता है, उसके बाद वो बच्चा एक्सपायर कर गया। कुछ 20-30 लोग आए, उस सीनियर रेजिडेंट को उन्होंने पीटा, पुलिस आई, जूनियर रेजिडेंट को भी पीटा, पुलिस पकड़ के लेके गई सब लोगों को। उन्होंने सीनियर रेजिडेंट को भी वहाँ पर बैठा के रखा, सारे डॉक्टर्स को 2 घंटे बैठा के रखा, लेकिन तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई पूरी। उसके बाद हम लोगों ने अपने MS को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बोला कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई करो। तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अगले दिन हमारे कहने पर एक पीसफुल तरीके से एक मीटिंग चल रही थी 28 तारीख को MS ऑफिस के अंदर, जिसमें उन्होंने सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था और दूसरे हॉस्पिटल से भी बुलाया हुआ था। उस मीटिंग के अंदर हमें पता नहीं कहाँ से 40 से 50 लोग चाकू, गन्स वगैरह लेके अंदर घुस गए। अंदर घुस के हमारे सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर भी असॉल्ट किया, उस जो डॉक्टर वो पिछली ड्यूटी पे था उसके ऊपर भी असॉल्ट किया, मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा, MS को भी मारा, सब लोगों को, बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स को असॉल्ट किया। उसके बाद से हम 28 तारीख से कंप्लीट स्ट्राइक पर हैं, कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज कुछ भी नहीं चल रही है हमारी तरफ से, ठीक है। उसके बाद अभी 3 दिन हो गए हमारी स्ट्राइक को, अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, ना कोई अरेस्ट हुआ है। हमारी दो ही सबसे बड़ी मांग है कि जो दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और साथ में हमारी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई जाए। सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, पिछली भी कई बार तक ये वारदातें होती रही हैं, पिछली भी कई बार हुई है ये। हमारे कहने पर, बार बार बोलने पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ भी इसके कदम नहीं उठाया कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए।